दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही शानदार दुकान पे, जो मतलब काजू का शॉप है ये। और यहाँ पे किस टाइप का काजू मिलता है, कैसा मिलता है, क्या कितना प्राइस में मिलता है, पूरा डिटेल में बताया हूँ। काजू के साथ साथ आपको चॉकलेट का वेराइटी मिलता है, स्वीट्स का वेराइटी मिलता है, ठीक है, और भी क्या क्या मिलता है और सबके बारे में मैं पूरा बताया हूँ। तो प्लीज़ यार वीडियो को मिस मत कीजिए, कि स्किप भी मत कीजिए, क्योंकि आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन अच्छा मिला हो आपको, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भाई साहब कैसे हैं? बस ठीक है सर, सब बढ़िया है। बढ़िया बस। और भैया बताइए कि आपके पास कितना से काजू स्टार्ट हो जाता है? काजू अच्छी क्वालिटी के ऊपर आता है, खाने लायक क्वालिटी रहता है, 550 से स्टार्टिंग रहता है। 550 से स्टार्टिंग प्राइस है 550 आपका। जैसे उसमें अनप्रोसेस, प्रोसेस, ग्रेडिंग, ऐसा साइज बढ़ता है, ऐसा उसमें रेट का अलग अलग रहता है। अच्छा, अलग अलग ये रहता है। तो ठीक है, उसमें भी काजू में रेट नंबर आता है, 320 नंबर, वो 650 केजी रहता है, उससे ऊपर 240 नंबर आता है, 210 नंबर आता है, 180 नंबर आता है। तो जितना कम नंबर उतना अच्छा। हाँ, सबसे बड़ी साइज आती है वो 180 नंबर होता है, 180 का। अच्छा, और बड़ा साइज अच्छा भी टेस्ट है इसका। वो नेचुरल बोलते हैं, यहाँ का लोकल काजू नेचुरल रहता है, नेचुरल वो 950 केजी आता है, 950 केजी, 180 नंबर, ओके। और थोड़ा बता दीजिए कि आपका ये लोकेशन बता दीजिए और सबका नाम थोड़ा बता दीजिए। हमारे दुकान का नाम है प्रमुख काजू भंडार। और लोकेशन बता दीजिए। यहाँ का लोकेशन कलंगुट में, आप किधर भी पूछेंगे तो क्रॉक्स बोले तो यहाँ का फेमस है। हाँ, क्रॉक्स तो एक ही है इधर, क्रॉक्स एक इस ही जगह है। तो जस्ट क्रॉक्स के बगल में, क्रॉक्स के बगल में, बाजू में, जस्ट बाजू में ही। ओके ठीक है। और बाजू में मैनेजर्स वाइन है, मैनेजर्स वाइन, ओके बढ़िया, दोनों के बीच में। ओके, तो मुझे थोड़ा एक एक करके दिखा सकते हैं? हाँ सर, काजू थोड़ा दिखाइए मुझे, कौन सा क्या बोलते हैं, किसको कैसा प्राइस रहता है। जैसे ये वाला आता है, देखो ये प्लेन में काजू आता है। हाँ, ये प्लेन काजू, ये वाला आता है 700 केजी, ये वाइट मिक्स बोलते हो, वो अनफिनिशिंग है, नेचुरल काजू, नेचुरल काजू। हाँ, उससे ऊपर अच्छा, ये प्रोसेस काजू आता है। अच्छा, ये इसके लिए ज्यादा प्लेन दिख रहा है। ये 320 नंबर है, ये 320, उससे ऊपर आता है ये वाला, आता है ये वाला 210 नंबर है, ये 210। हाँ सर, उससे ऊपर आता है ये वाला 180 नंबर, ये वो आपको मैंने जो बड़ी साइज बोली है ना। हाँ, सबसे बिग साइज वो ये वाला रहता है, उससे ऊपर बाद में यहाँ का गोवा की फैसिलिटी होती है स्किन काजू, उससे ऊपर बाद में आपको मैंने प्लान में बताया। और अच्छा, उसमें हाँ, आपको गोवन फैसिलिटी चाहिए तो ये आएगा स्किन काजू, स्किन काजू, उसको छिलका निकाल के खाना पड़ता है। अच्छा, छिलका निकाल के खाना पड़ता है, निकाल के खाना पड़ता है उसको। आप ये टर्बल ड्रम रोस्ट है, उसमें ऐसा 2 टाइम रोस्ट, 1 टाइम रोस्ट ऐसा भी रहता है, ये उसका रोस्ट के ऊपर प्राइस रहता है। ये टर्बल ड्रम रोस्ट है, इसमें भी अलग अलग, ये कितना रोस्ट हुआ है, ये टर्बल ड्रम रोस्ट है। और इसको थोड़ा निकाल के दिखाइए, आपको छिलके में ये है ना, यहाँ से निकालेंगे ना तो ऊपर का एकदम इजी निकलता है बस। अच्छा, ऐसा निकाला जाता है, नहीं तो हम साइड से निकालते हैं ना, तो निकाल निकाल के नाखून दुख जाता है। यार इसको यहाँ से निकालो, नाखून से निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ से निकालो तो एकदम इजी निकल जाता है बस। ओके, इसका क्या प्राइस है? उसमें अलग अलग है, उसमें सर 500 केजी, 500, 550, 650, उसमें भी ऐसे क्वालिटी रोस्ट के ऊपर उसका प्राइस रहता है। इस पे सिर्फ रोस्ट के ऊपर पैसा रहता है, इस पे तो कोई मिलावट या सब तो मिलावट कुछ नहीं कर सकता, मिलावट वगैरह उसमें कुछ नहीं आता, एकदम प्योर नेचुरल काजू आता है। और खाने में व्हाइट से भी ज्यादा स्वीटनेस और क्रिस्पी काजू आता है ये वाला। अच्छा अच्छा, ऐसा रहता है छिलके में। बाद में यहाँ की और भी बहुत आती है, यहाँ का होममेड चॉकलेट, जैसे यहाँ का ये नट्स वाली चॉकलेट है, यहाँ की ड्राई फ्रूट। दिखाइए थोड़ा, ड्राई फ्रूट की ये वाली आएगी, ड्राई फ्रूट की चॉकलेट ये, इसमें अलग अलग फ्लेवर आता है, बादाम, काजू, हेजलनट, पिस्ता, जैसे डार्क चॉकलेट। इनका इनका क्या प्राइस रहता है? ये वाला 250 रुपीज पर बॉक्स रहता है। बॉक्स रहता है,
एक बॉक्स में कितना आ जाता है? वो वजन पे आता है। अच्छा वजन पे? हाँ, है वजन ऐसा पीस के हिसाब से नहीं है। पीस के ऊपर क्वांटिटी। कितना वजन है इसका? इनको इसमें ये 280 ग्राम से है। 280 ग्राम। अच्छा ओके। सबका अलग अलग प्राइस है? सबका सेम? इसमें सबका सेम है। बाद में अच्छा इसमें सबका सेम और भी है। इसमें यहाँ की डार्क होममेड चॉकलेट आती है। हाँ बाद में ये दिखाइए, ये इसका क्या प्राइस? ये वाली नट्स वाली चॉकलेट है, यही इसमें नट्स वाली आती है, दूसरी कंपनी की आती है। अच्छा ये भी ड्राई फ्रूट की आती है, इसमें छोटे छोटे नट्स होते हैं इसमें। अच्छा अंदर? हाँ अंदर, इसके अंदर। तो इनका क्या प्राइस है? कौन सा इनका? ये वाली सेम प्राइस। अच्छा प्राइस सेम? हाँ, है सेम प्राइस। और ये क्या है छोटा छोटा? ये इमली कैंडी है। अच्छा ये इमली कैंडी है, खट्टी मीठी आती है ना इमली। हाँ 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 ये वाली। ये जो बचपन पे हम खाते थे छोटा छोटा मिलता वही वाला ना? ये इसका क्या प्राइस है? कौन सा? ये 100 रुपीज डब्बा। ये डिब्बा एक डिब्बा को 100 रुपीज। आम पापड़ और ये आम पापड़ है नहीं? कच्चा कच्चा आम, मिक्स फ्रूट आम, इमली आम। अच्छा ये आम पापड़ है, मीठा आम, ये मीठा वाला आता है। ओके ओके ये मीठा वाला। और ये क्या? ये मिक्स फ्रूट का। ओके मिक्स फ्रूट का पापड़ ना। इनका क्या प्राइस रहता है? ये 50 रुपीज पर पैकेट। अच्छा एक पैकेट का 50 रुपीज। ये क्या पीस में आता है? ग्राम 90 ग्राम? ये ग्राम, वो पैकेट के ऊपर उसका प्राइस है। अच्छा पैकेट के ऊपर प्राइस है। ओके बढ़िया। और ये चॉकलेट? ये चॉकलेट ये कोका बोल चॉकलेट, क्रीमी चॉकलेट है। अच्छा ये क्रीमी चॉकलेट। अच्छा इसका क्या प्राइस है? 200 रुपीज पर बॉक्स। 200 रुपीज। और ये क्या है? लिक्विड? ये मतलब जूस जैसा? ये सिरप है? हाँ ये कंपनी का ब्रांडेड आइटम है। हाँ। सिरप है, जैसे कोई उसमें पानी में सोडे में। हाँ। उसमें बनाने के कोई वो फालूदा बनाने के लिए आता है उसका केसर। हाँ, हाँ, हाँ। केसर का केसर इलायची वगैरह आता है। मतलब ये रूह अफ़ज़ा टाइप का है? हाँ, क्या अफ़ज़ा टाइप? अच्छा उसके जैसा। ये क्या फ्लेवर में सब अलग अलग? ये अलग अलग सब फ्लेवर, करर सिरप वगैरह सब अलग अलग आता है। अच्छा अच्छा। और ये बोतल में क्या है? ये जैम है, यहाँ का पाइन एप्पल, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, मिक्स फ्रूट, काजू, सबके अंदर मिक्स काजू बन के आता है। अच्छा अच्छा मिक्स काजू ये बन के आता है। और इनका इनका क्या प्राइस रहता है? कौन सा? ये 100 रुपीज बोतल। अच्छा ये क्या हो सब होममेड है क्या? ये सब? हाँ, ये होममेड है, 500 ग्राम आके गोन होममेड स्वीट है। अच्छा ये वाली है। और ये क्या है? ये सारा हनी विद ड्राई फ्रूट है, जैसे सब मिक्स ड्राई फ्रूट करके हनी डाल के। हनी डाल के? अच्छा ये हनी है, ये हनी के अंदर ये सब है, हनी के साथ सब ड्राई फ्रूट मिक्स वाला ये वाला। अच्छा अच्छा अच्छा। इसका क्या प्राइस है? ये 200 रुपीज। 200 रुपीज ओके। और ये बड़ा चॉकलेट सब? ये चॉकलेट नट जो एसोटेट चॉकलेट जो फरारो रोसर आती है ना, उसी टाइप ये दूसरी कंपनी की है, क्रिस्पी आती क्रंची टाइप में रहती है। क्रंची टाइप में रहता है ये। एक पैकेट में कितना आता है इसका? वो भी ऐसे वजन के ऊपर, वजन के हिसाब से नहीं? ओके बढ़िया। इसका क्या प्राइस है? ये 500 रुपीज का आता है बड़ा। ये 500 रुपीज आता है। छोटा बॉक्स उसमें 300 रुपीज का आता है। अच्छा और ये छोटे छोटे टॉफी जैसा इसका क्या? ये टॉफी रहती है काजू की, पिस्ता, बादाम, वो कोकोनट सब मिक्स रहता है। अच्छा ऐसा रहता है इसका। ये 100 रुपीज वन जार आता है। 100 रुपीज का जार। और इनका क्या रहता है मतलब क्या बोलते हैं इसका भी? वजन पे रहता है। वजन पे रहता है। और ये बड़ा ये भी वो इसमें लो चॉकलेट, उसके अंदर स्ट्रॉबेरी, कोकोनट, पिस्ता, हेजलनट सब मिक्स चॉकलेट आती है। मिक्स चॉकलेट आता है। ओके ये भी वजन के हिसाब से? हाँ ये भी वजन के हिसाब से। और इनका क्या प्राइस रहता है? 150 रुपीज। 150 रुपीज। ये भी सेम है उसके जैसा? ये सर टफल चॉकलेट है। अच्छा इनका क्या है? ये भी मिक्स में आती है, 150 रुपीज का रहता है। 150 रुपीज का। ये भी वजन के हिसाब से? वजन के। अच्छा यहाँ पे जो बड़ा डिब्बा है ये सब कुछ वजन के हिसाब से? हाँ, नहीं बाद में ये वाली चॉकलेट आती ये है वाली। जैसे ये वोडका, बोर्बन, बियर, वाइन, काजू, ये सब डार्क चॉकलेट में आती है, डार्क प्रीमियम। अच्छा थोड़ा बताइए जो बोर्का लिखा है बोर्बन या बियर, ये एक्चुअल में है इसमें डाला हुआ है? फ्लेवर रहता है। अच्छा उसका फ्लेवर रहता है, मैं सोच रहा था उसी में ही डाल के बनाए। नहीं ये फ्लेवर रहता है। अच्छा ये फ्लेवर रहता है नी। और ये क्या है? आलमंड, रोस्टेड आलमंड, क्रैनबेरी, किशू, ये डार्क चॉकलेट? ये सब डार्क चॉकलेट है, प्रीमियम वाली। प्रीमियम वाला। इनका क्या प्राइस रहता है? ये 100 रुपीज पर पैकेट रहता है। अच्छा 100 रुपीज पर पैकेट रहता है। ओके बढ़िया। और ये क्या जेली है? क्या जेली आती है? काजू वाली जेली। ये काजू वाली जेली? जुजुब जेली, काजू वाली जेली आती है।
अच्छा काजू अच्छा में बनी हुई है, अंदर काजू का नट्स रहता है। अच्छा हाँ हाँ ये भी दिख रहा है, थोड़ा काजू का नट्स है जैसा हाँ, दिख रहा है। हाँ तो और इनका क्या प्राइस रहता है ये? ये जो काजू वाली है वो 200 रुपीज़ की है, और ये वाली सब ये प्लेन में बाद में ये 100 रुपीज़ की आती है। अच्छा प्लेन में 100 100 हाँ, रुपीस का। और बाद में यहाँ का गोवन ट्रेडिशनल स्वीट आता है ये रेबिंग गॉन का। ट्रेडिशनल हाँ, स्वीट, ये सब होम मेड है ना? यहाँ के ये ओमन भी ये भी हाँ, जैसे यहाँ का काजू का वेबिन का। कैसे काजू कैसे गोवा में फेमस है, हाँ हाँ वैसे यहाँ का ये गोवन फैसिलिटी है बेबिंग का। अच्छा बेबिंग का, ये क्या बेबिंग केक का और है? डोडल आता है। हाँ सर, केक नहीं है, ये यहाँ ये का गोवन ट्रेडिशनल स्वीट है, जैसे ट्रेडिशनल केश्यू, स्वीट है। कोकोनट, जेगरी, रेगिस, उस सब से मिक्स करके बनता है ये वाला। अच्छा अच्छा ऐसा बनता हाँ, है? नहीं उसमें दो टाइप आता है, दो टाइप बेबिंग का बोलते हो उसके अंदर एग आता है, एग आता और है। डोडल ये वेज आता है। अच्छा ये हाँ वेज और ये नॉन वेज हाँ में, ये जिनको दोनों, वेज चाहिए तो ये वाला ले सकते हैं। दोनों ये क्वालिटी दोनों एक ही है, हाँ इसके अंदर एग आता है और ये विदाउट एगलेस इनका प्राइस क्या होता है? ऊपर नीचे है क्या, वेज का अलग नॉन वेज का अलग? ऐसा नहीं, उसमें सब उसका प्राइस सेम ही है। सेम ही हाँ, है प्राइस सेम ही क्या? ये है। छोटा का प्राइस क्या है और बड़ा का प्राइस क्या है इसका? छोटा ये वाला सर प्रिंट पे रहता है, हाँ तो भी वो उसके हिसाब से कोई लेता है, उसके हिसाब से तो थोड़ा बहुत आगे पीछे करके दे देते करके हैं। देते हैं। हाँ, ओके ये देखिए दोस्तों, ये जो एग डाला हुआ है इसमें, तो ये ब्लैक कलर का है, देखिए ज़्यादा ब्लैक डार्क दिख रहा है इसका। और ये जो भेज है, भेज वाला देखिए डोडल, ये थोड़ा लाइट कलर में है। ठीक है आप अगर आएंगे, अगर इधर आपको नहीं मिलेगा किधर भी भेज नॉन भेज पढ़ने को, तो जान सकते हैं। और वैसे भी ये सिंबल दिख रहा है आपको, तो क्या गया भेज नॉन भेज ये भी पता चल जाएगा। और ये गोल और फैसिलिटी ये आती है, क्या, ये स्टोन के जैसा है? ये स्टोन चॉकलेट सर। ये स्टोन हाँ चॉकलेट सर, है, बहुत बढ़िया यार, ये स्टोन के स्टोन जैसा चॉकलेट है। पूरा हाँ दिख रहा है। इसका हाँ क्या सर, प्राइस है? ये 100 रुपीज़ पर डब्बी। अच्छा डब्बा हाँ 100 रुपीज़ का हाँ ना। और ये क्या ये गोल्ड गोल्ड चॉकलेट रहती है, क्रीमी चॉकलेट क्रीमी होती है। चॉकलेट हाँ ऐसा, सर, क्रीम वाला नहीं। इनका क्या प्राइस ये है? भी 100 रुपीज़ का। 100 रुपीज़ का। और ये क्या है ये सर कलर काजू में? कोटिंग है, इसके काजू अंदर कोटिंग, अंदर काजू है, वो इसके पूरे अंदर चॉकलेट पूरा की कोटिंग काजू है। हाँ है। सर, उसमें अलग अलग है, जैसे ये चॉकलेट फ्लेवर है, ये हाँ मैंगो हाँ फ्लेवर, ये पाइनएप्पल, ये स्ट्रॉबेरी, व्हाइट, अच्छा ये आलमंड्स, इसके अंदर आलमंड्स आती है, ऊपर चॉकलेट की कोटिंग है। अच्छा अच्छा ऐसा रहता है हाँ नहीं सर, पूरा? ओके बहुत बढ़िया। ओके भाई साहब आप मुझे थोड़ा दिखाइए, गोवा में तो मतलब वाइन वगैरह बहुत लेते हैं, तो उसके हाँ लिए सर, जो काजू लेते हैं मसाला काजू, ये जो आप लगाए अभी हाँ दिखाने के सर, लिए, तो इनका थोड़ा प्राइस बताइए मुझे। ये कैसा रहता है, क्या फ्लेवर है, क्या ये सर प्राइस है? मसाला काजू रहता है, हाँ जो ये रोस्टेड आइटम है। रोस्टेड हाँ, आइटम फ्राइड वाला नहीं रहता है, रोस्टेड रहता है। रोस्टेड रोस्टेड रहता है। जैसे ये वाला रोस्टेड चिल्ली आता है, ये हाँ रोस्टेड सॉल्टेड रहता है, अच्छा और ऐसा ये है वाला रोस्टेड पेपर रहता है, विथ पेपर सॉल्ट का, रहता है ये। अच्छा विथ हाँ, सॉल्ट। ये 150 रुपीज़ का पर पैकेट है। पर पैकेट वन हाँ फिफ्टी हाँ वन रुपीज फिफ्टी रुपीज़ से 200 ग्राम्स का पैकिंग आता है। अच्छा 200 ग्राम्स हाँ, का यहाँ पे पैकिंग सर आता है। ज़्यादातर पैकिंग 200 ग्राम्स और 400 ग्राम्स ही रहता है, अच्छा ऐसा ही फाइव हंड्रेड पैकिंग ग्राम और रहता है, 250 ग्राम यहाँ पे नहीं ऐसा रहता नहीं है। मिलता है? हाँ नहीं सर, ओके बढ़िया। और ये किशमिश, ये अब बहुत किशमिश है, अच्छा दाना है किशमिश का, बहुत बड़ा ये बड़ा दिख सर रहा है। किशमिश वाइटनेस में है, फर्स्ट हाँ क्वालिटी 280 नहीं, फर्स्ट क्वालिटी है, आप वन फर्स्ट फिफ्टी क्वालिटी। रुपीज़ का पैकेट है। अच्छा ये पैकेट हाँ 150, इनका क्या हाँ ग्राम है इसका? ये सर 400 ग्राम का ये पैकेट है। 400 ग्राम्स हाँ, का 150 रुपीज़ वन में, फिफ्टी बहुत रुपीज़ अच्छा है 400 ग्राम में। साइज़ देखिए कितना बड़ा साइज़ हाँ, है। उसमें केजी के ऊपर रहता है। उसमें एक क्वालिटी आती है हाँ 250 की आती है, ये हाँ वाली क्वालिटी आएगी तो ये फर्स्ट क्वालिटी, सबसे हाई क्वालिटी 350 की है। 350 हाँ, की है। अच्छा ये उससे मीडियम आती है वो 250 की रहती है, उससे भी लो आती है वो लो क्वालिटी वाला नहीं रखता। नहीं रखते हैं बढ़िया अपना आलमंड। ये बादाम है, हाँ इसका क्या प्राइस? ये बादाम, ये वाला 750 रुपीज़ केजी है। 750 रुपीज़ हाँ, ये पैकेट केजी केजी। के जी, हाँ, ये पैकेट का ये प्राइस पैकेट बोलिए? 300 रुपीज़ पैकेट है। 300। ये हाँ कितना सर, ग्राम का? ये 400 ग्राम। 400 ग्राम का थ्री हंड्रेड हाँ सर, रुपीज़ में। अगर किलो चाहिए तो आप 700 में देंगे हाँ नहीं? सर, और ये वॉलनट्स, ये वॉलनट्स है, इनका क्या ये प्राइस है? वॉलनट्स 300 का पैकेट से। ये 300 का हाँ, पैकेट से कितना ग्राम रहता है ये टू इसमें? फिफ्टी ग्राम्स ये 250 ग्राम्स हाँ में सर। रहता है ना? ओके ये सब भी क्या गोवा में ही बनता है कि नहीं ये सर, बाहर ये से यहाँ आता है? यहाँ पे बनता नहीं है, बाहर से आता है, ये पिस्ता, बादाम, हाँ वॉलनट, इसमें यहाँ पे क्वालिटी आपको एकदम फ्रेश मिल जाता है, क्योंकि फ्रेश यहाँ का मिलता ड्राई फ्रूट की मार्केट है ना, है। तो हाँ यहाँ पे जितना जल्द आता है फ्रेश, उतना ही फ्रेश बिकता है बढ़िया। वैसे। और ये पिस्ता, ये पिस्ता है, रोस्टेड हाँ सॉल्टेड ये आता है। रोस्टेड हाँ, सॉल्टेड, ये कौन सा ये है? भी, ये 300 रुपीज़ का है, टू थ्री फिफ्टी हंड्रेड रुपीज़ ग्राम्स का 250 ग्राम्स हाँ का। सर, ओके बढ़िया। और ये ये क्या ड्राई फ्रूट? सर मिक्स ड्राई फ्रूट है, सब ड्राई फ्रूट उसके अच्छा अंदर मिक्स मिक्स ड्राई आता है। फ्रूट। हाँ,
अच्छा, इसका क्या प्राइस है? 300 रुपीज का आता है। 300 रुपीज, 500 ग्राम आता, हाफ के जी। अच्छा, हाफ के जी का 300। हाँ सर। लेकिन बढ़िया है ये तो। इनका कुछ बताइए मुझे कि इनका एक्सपायरी डेट कुछ रहता है क्या इनका सबका? उसका रहता है ना सर, रहता है सबका अलग अलग। किसका 3 मंथ रहता है, किसका 4 मंथ रहता है, किसका 6 मंथ रहता है। 6 मंथ रहता है वैसा ना। और ये अंजीर? ये अंजीर है, ये 250 रुपीज के 250 ग्राम से है। ये कितना प्राइस है इसका? 250 रुपीज। 250 रुपीज, 250 ग्राम का ना प्योर अंजीर। देखो ये। और ये क्या है? ये बर्फी है कोकोनट की। अच्छा, बर्फी है कोकोनट की। हाँ, बर्फी है ना, जैसे ये देखिए अंदर दिख रहा है, दूसरी बनती है ना हर एक चीज की। हाँ, जैसे ये भी यहाँ की कोकोनट बर्फी है। अच्छा, कोकोनट नंबर वन आती है खाने में। हाँ, एकदम टेस्टी रहती है। ओके, इसका प्राइस क्या है? ये 150 रुपीज का पैकेट है। 150 रुपीज का पैकेट है। ओके, बढ़िया। मैंने जो सुना था कि काजू की शॉप में भी मसाले का भी आइटम बेचते हैं, तो आप भी रखते हैं क्या? सर, हमारे पास भी है ना। दिखाइए मसाले में ये अलग अलग आता है, जैसे ये देखो, ये इलायची है। अच्छा, ये इलायची, दालचीनी है ये। अच्छा, देखिए इलायची, ये काली मिरी है। हाँ, ये लवंग है, ये दालचीनी, ये स्टार फूल है, दालचीनी, काली मिरी और ये लवंग। और इसको क्या बोलते हैं? स्टार फूल बोलते हैं। स्टार फ्लावर। ये मसाले बोल तो कुछ बनाते हैं तो इसमें टेस्टी रहता है। अच्छा, इनका प्राइस बोलिए थोड़ा मुझे सर। ये इसका प्राइस क्या है? स्टार फूल 150 रुपीज का है। ये 150 रुपीज पैकेट। हाँ, 100 ग्राम का आता है ये। 100 ग्राम का सबका, 100 ग्राम का ये 150 रुपीज। और ये इलायची? ये इलायची रहता है 200 रुपीज का। ये 200 रुपीज का, ये भी 100 ग्राम का। 100 ग्राम। अच्छा, और ये दालचीनी रहती है ये 100 रुपीज का, 100 ग्राम। 100 रुपीज का 100 ग्राम। साइज देखिए इसका कितना मस्त दिख रहा है। फ्रेश रहता है, फ्रेश रहता है, टूटा फूटा भी नहीं रहता। अच्छा, और ये लवंग आता है, ये 100 रुपीज का, 100 ग्राम। 100 रुपीज का 100। ओके, 100 ग्राम का 100 रुपीज। बढ़िया। ये भी 100 रुपीज का 100 ग्राम। अच्छा, ये भी 100 रुपीज का 100 ग्राम। बहुत बढ़िया। चलिए, और भी स्वीट्स वगैरह? ये वाला स्वीट। अच्छा, ये स्वीट है, ये ड्राई फ्रूट का स्वीट रहता है, प्योर होता है, जैसे कोकोनट, बादाम, केश्यू, जैगरी, प्योर घी का बन के आता है। अच्छा, एकदम नेचुरल बोल तो स्वीट रहता है। ओके, खाने में मीठा में रहता है। और ये प्रोडक्ट नाम है कृष्णा स्वीट। कृष्णा स्वीट। ओके, कृष्णा स्वीट। इनका क्या प्राइस है? ये 100 रुपीज का वो डब्बा है। एक डब्बा का 100 रुपीज। हाँ, का है ना। ओके, फर्स्ट क्वालिटी आता है स्वीट में। अच्छा, ये क्या लड्डू जैसा? ये लड्डू है, ये भी काजू का है। हाँ, उसके ऊपर वो काजू का छोटे छोटे टुकड़े में रहते हैं। हाँ, उसके बाद में अलग अलग आता है, जैसे ये अलग अलग फ्लेवर बनाया, ये काजू का है। हाँ, ये अंजीर मिला है। अच्छा, अंजीर इसमें का, अंजीर का। हाँ, ये मिक्स ड्राई फ्रूट का, ये मिक्स ड्राई फ्रूट, ये बादाम का आता है, ये बादाम का। बाद में ये वाली जो ये चॉकलेट है ना, ये चॉकलेट ना, वो चॉकलेट है, ये अल्कोहल चॉकलेट आती है। ओके, इनका क्या है प्राइस? ये 300 रुपीज का पर पैकेट है। ये 300 रुपीज का। इसके अंदर 8-10% अल्कोहल रहता है। अच्छा, चॉकलेट में 8-10% तक अल्कोहल रहता है, मतलब बियर से ज्यादा? हाँ सर, बियर में तो शायद कुछ कितना रहता है? बियर में कुछ 8% या 6% ऐसा रहता है। अच्छा, नहीं नहीं, बियर में नहीं, और किसी में मैं देखा था 4-5% तक ऐसा था। ओके ओके, इस पे मतलब अल्कोहल रहता है नहीं, गजब है। और इनका प्राइस थोड़ा बताइए मुझे। ये सर 150 रुपीज का पर, ये 150। और ये से कोई भी, अच्छा सब कोई भी लेने से 150 रुपीज का है। फ्लेवर अलग अलग है, फ्लेवर अलग अलग है, प्राइस एक ही है। ओके, और ये क्या छोटकू बोतल जैसा? ये भी वाइन चॉकलेट है। ये भी वाइन चॉकलेट है, ये फ्लेवर वाली है, जैसे कॉकटेल मॉकटेल। अच्छा अच्छा, काजू वाइन चॉकलेट। अच्छा, ये पूरा पूरा सेम टेस्ट आता है ऐसा ही, कॉकटेल मॉकटेल जैसा टेस्ट आता है ना। अच्छा, बढ़िया है। क्या प्राइस है इनका? ये 100 रुपीज का पर पैकेट है। ये पैकेट का 100 रुपीज। हाँ सर, बढ़िया। तीन, ये क्या है? ये भी वाइन चॉकलेट है। ये भी वाइन चॉकलेट है। हाँ सर, ये बड़ा बॉक्स है। अच्छा, ये बड़ा बॉक्स, जैसे मैंने आपको ये वाला छोटा बॉक्स बताया था ना। हाँ हाँ, ये उसका बड़ा बॉक्स। अच्छा, ये बड़ा बॉक्स है, डबल आती है। अच्छा अच्छा, इसका क्या प्राइस है बड़ा बॉक्स का? ये बड़ा बॉक्स ये वाला आएगा 550 का। 550 का आएगा। हाँ सर, और बताइए क्या जेली? जेली है ये, ये जेली है, ये जैसे ये शुगर वाली जेली है। हाँ,
ये रैपर जेली है, ये रैपर ये जेली है। छोटा, ये उसमें बड़े बॉक्स, उसमें छोटे बॉक्स चाहिए तो इससे ऊपर आएगा अच्छा, छोटे ये बॉक्स। छोटे हाँ, बॉक्स में आता है, छोटे बॉक्स 50-50 रुपीस के रहते हैं। अच्छा ये बॉक्स 50 रुपीस का ना, हाँ। एक बॉक्स दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए बॉक्स का साइज ये रहता है, और अंदर तो कितना पीस रहेगा ये? ये वजन पे रहता है। अच्छा हाँ वजन पे रहता है, फिर जी, भी देख के तो लग रहा है 30-35 तो आज रहेगा अंदर लगता है। और ये जेली वाला विदाउट रैपर का देखिए, ये ऐसा रहता है, 50 रुपीस का बॉक्स है नी। और ये बड़ा बॉक्स का प्राइस क्या है? कौन सा? ये बॉक्स ये का, 100 रुपीज का अच्छा ये पड़ेगा। 100 रुपीस का बॉक्स है, और ये वाला 50 रुपीस का। और हाँ ये क्या प्लास्टिक में भी ऐसा भी मतलब हाँ पैकेट में, ये बड़ी पैकिंग में आती ये है, बड़ी क्वांटिटी पैकिंग में। में? हाँ सर, अच्छा इनका ये क्या प्राइस है? पूरा एट ऊपर का बताइए। एट हंड्रेड ग्राम का पैकिंग आता है अच्छा ये। 800 ग्राम हाँ का, ये पैकेट, पर पैकेट 300 रुपीज का पैकेट आएगा। अच्छा 300 रुपीज़। हाँ उसमें क्वांटिटी ज़्यादा आता है, प्राइस उसमें हाँ मीडियम रहता है। ये प्राइस 300 रुपीज़ का 800 ग्राम होता है, हंड्रेड इसमें रुपीज़ में अच्छा है तो पैकिंग में सस्ता एट पड़ता है, हंड्रेड इसमें ग्राम हाँ पैकेट पैकिंग सस्ता में। में। और ये छोटा वाला, ये छोटा वाला ये 100 रुपीज़ का पैकेट ये है। हंड्रेड हाँ रुपीज़ इसमें का, जैसे इसमें ये तो वाली ड्राई फ्रूट वाली चॉकलेट है, ये वाली मिक्स फ्रूट चॉकलेट अच्छा आएगी। ये मिक्स फ्रूट हाँ वाला, बाद में उसमें ये अलग अलग, जैसे ये डेट चॉकलेट आएगी खजूर अच्छा अच्छा की, ऐसा आएगा ना, ये उसमें नारियल की चॉकलेट है, कोकोनट चॉकलेट। कोकोनट चॉकलेट हाँ है। इसमें अलग अलग आता है सब में। ओके बढ़िया,